दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन लोग इसके बारे में नहीं जानते। अगर जानते भी हैं तो पूरा नहीं जानते। मैं या आप फिजिसिस्ट्स या रिसर्चर तो नहीं हैं, लेकिन अपनी जिज्ञासा पूर्ति के लिए इसे कहानी के माध्यम से जरूर समझने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं डिमेंशंस के बारे में। ये क्या होती हैं? थियोरेटिकल फिजिक्स के माने तो दुनिया में कितने डिमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर भगवान किस डिमेंशंस में एग्जिस्ट करते हैं। इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट आर डिमेंशंस। किसी भी वस्तु के पोजीशन या उसमें किसी भी एक पार्टिकुलर पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए हम कितने मिनिमम कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं डिमेंशंस। उदाहरण के तौर पर आप एक कागज के लिए दो ही कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करेंगे, लेंथ और ब्रेथ। वैसे ही अगर आपको एक क्यूब दिया जाएगा तो आप थ्री कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करेंगे, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो आप जानते हैं कि डिमेंशंस होती कितनी है। जिस दुनिया को हम जानते हैं उसमें तीन आयाम होती है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई, और समय का एक आयाम जो कि महान फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दावा किया था। लेकिन इस बात की आश्चर्यजनक संभावना है कि और भी कई आयाम मौजूद होती हैं। स्ट्रिंग थ्योरी, वन ऑफ द लीडिंग फिजिक्स मॉडल के अनुसार, ब्रह्मांड 10 आयामों के साथ संचालित होता है। लेकिन यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, अगर 10 आयाम है तो हम उन सभी का अनुभव क्यों नहीं करते हैं या उनका पता नहीं लगा पाते हैं। साइंस न्यूज की एक रिपोर्ट में लीसा ग्रोसमैन कहती हैं कि एक रिसर्च पेपर इस सवाल का उत्तर सुझाता है। अकॉर्डिंग टू इट, ये आयाम इतने छोटे और इतने अनस्टेबल होते हैं कि हम वर्तमान में उनका पता नहीं लगा सकते हैं। तो टोटल हुए, जैसे कि मैंने बताया 10 डिमेंशंस, तो ये 11वां डिमेंशन आया कहां से? सुपरस्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार 9 डिमेंशंस होती हैं प्लस एक डिमेंशन हुआ टाइम का, तो टोटल हुए 10 डिमेंशन। लेकिन कुछ थियोरेटिकल सवाल थे जिनका जवाब ये 10 डिमेंशन नहीं दे पा रहे थे, तब एम थ्योरी ने स्ट्रिंग थ्योरी के सभी वेरिएंट्स को कंबाइन कर अपना नया थ्योरी बनाया, जहां इंट्रोड्यूस किया गया 11th डिमेंशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को फीजिबल बनाने हेतु। आइए जानते हैं हर एक डिमेंशन के बारे में एक एक करके। सबसे पहले आता है डायमेंशन जीरो। इस डायमेंशन के बारे में शायद आपको नहीं पता होगा, इसका कोई लेंथ, ब्रेथ या हाइट नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर एक बिंदु, इमेजिन कीजिए कि कोई इस जीरो डायमेंशन में रह रहा है, तो हाल यूं होगा कि उसका ना कोई बॉडी ना कोई शेप होगा, वो किसी डायरेक्शन जैसे कि फॉरवर्ड, रिवर्स, अप या डाउन मूव नहीं कर पाएगा। जीरो डायमेंशन सभी हायर डायमेंशन का बेस है। डिमेंशन वन, इसमें केवल एक ही डायमेंशन होता है जो है लेंथ। उदाहरण के तौर पर एक स्ट्रेट लाइन, एक ऑर्गेनिज्म सिंगल डिमेंशन केवल स्ट्रेट लाइन में ही चल सकता है, ना ही लेफ्ट ना ही राइट, ना ही अप ना ही डाउन। डायमेंशन टू, इसे फ्लैट या 2D ऑब्जेक्ट्स भी कहा जाता है, जैसे एक रेक्टेंगल या ट्रायंगल या सर्कल, इनकी दो डायमेंशंस होती हैं, लेंथ एंड ब्रेथ, पर इनकी कोई डेप्थ नहीं होती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स की एरिया तो होती है पर वॉल्यूम नहीं। कोई ऑर्गेनिज्म अगर सेकंड डायमेंशनल स्पेस में है तो वह स्ट्रेट लाइन में और लेफ्ट और राइट साइड में भी मूव कर पाएगा, किंतु वह अप और डाउन नहीं कर पाएगा। सपोज मान लीजिए आप एक सेकंड डायमेंशन में रहने वाले व्यक्ति हैं और एक 3D ऑब्जेक्ट आकर आपके 2D सरफेस पर गिरती है, तो जब तक वह आपके 2D सरफेस को छू नहीं लेती, तब तक आपको नजर भी नहीं आएगा कि कोई ऑब्जेक्ट आपके सरफेस की तरफ अप्रोच कर रही है। और सतह को छूने के बाद भी वह 3D ऑब्जेक्ट केवल आपको एक बिंदु के तौर पे ही नजर आएगी। तो हमने देखा कैसे हम एक बिंदु के जीरो डिमेंशन को डबल करके हम फर्स्ट डिमेंशन में पहुंचे, फिर उसे डबल करके जोड़ने पर सेकंड डिमेंशन। अब बात करते हैं थर्ड डिमेंशन की। हम अगर सेकंड डिमेंशन के पॉइंट्स को डबल करके जोड़ देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये है थर्ड डिमेंशनल स्ट्रक्चर। डिमेंशन 3, ये वो आयाम है जिसमें हम रहते हैं। अगर हम 2D स्ट्रक्चर्स में एक और डिमेंशन हाइट को जोड़ दें तो वो बन जाता है 3D या 3D स्ट्रक्चर। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होते हैं इसमें। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि 2D स्ट्रक्चर्स फ्लैट फिगर्स होती हैं, इसलिए उनका कोई वॉल्यूम नहीं होता, जबकि 3D स्ट्रक्चर्स का वॉल्यूम होता है। उदाहरण के तौर पर हम ह्यूमंस, क्योंकि हम थर्ड डायमेंशन में रहते हैं तो हम आसानी से फॉरवर्ड, रिवर्स, साइड, अप, डाउन मूव कर सकते हैं, क्योंकि हम में तीनों डायमेंशंस को कंट्रोल करने की क्षमता होती है। ये तीन डायमेंशंस तो सभी को पता होती हैं। आइए आगे जानते हैं ऐसे नए आयाम जिनके बारे में आप में से बहुत लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। डायमेंशन 4, लेंथ, ब्रेथ और हाइट है थर्ड डिमेंशन, और चौथा डिमेंशन है टाइम। इस डिमेंशन में रहने वालों के कंट्रोल में लेंथ, ब्रेथ, हाइट और टाइम तीनों होते हैं। ये टाइम पीरियड के किसी भी मोमेंट पे पास्ट और फ्यूचर
आराम से मूव कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे एक ऑर्गेनिज्म जो फोर डायमेंशनल स्ट्रक्चर में रहता है आराम से पास्ट या फ्यूचर में जाके कुछ बदलाव कर सकता है, क्योंकि टाइम एक डायमेंशन है और उसमें वह आसानी से मूव कर सकता है। चूंकि हम थर्ड डायमेंशन के प्राणी हैं तो हम टाइम में पास्ट या फ्यूचर में नहीं जा सकते, हमें प्रेजेंट में ही रहना होगा, क्योंकि टाइम है चौथा डायमेंशन और वह हमारे कंट्रोल में नहीं। आइए आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक फोर्थ डायमेंशन के प्राणी हैं और आपने पास्ट में साइंस स्ट्रीम ली थी। अब आप प्रेजेंट में हो और चाहते हो कि काश आपने पास्ट में कॉमर्स ली होती तो आप बेशक टाइम के डायमेंशन में ट्रैवल करके पास्ट में जाके अपने डिसीजन को चेंज कर सकते हैं और नई टाइमलाइन शुरू कर सकते हैं। पर चूंकि आप अभी एक थ्री डायमेंशनल दुनिया के प्राणी हैं तो आप उस फोर्थ डायमेंशन में आगे पीछे नहीं मूव कर सकते। यू आर फोर्स्ड टू मूव अ पर्टिकुलर वे दैट इज फॉरवर्ड। इसके बाहर डायमेंशन सब एटॉमिक लेवल पे एग्जिस्ट करती है जिनको डिटेक्ट कर पाना अब तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। डिमेंशंस इस पॉइंट के बाद प्रत्यक्ष रूप से पाई नहीं जाती है। रिमेनिंग 6-7 डिमेंशंस इतनी सूक्ष्म होती हैं कि हमारे डिमेंशंस के एटम का उस डिमेंशन में जाना पॉसिबल नहीं है। डिमेंशन 5, एक फिफ्थ डिमेंशन में रहने वाला प्राणी समय को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। वो या पास्ट या फ्यूचर कहीं भी आसानी से जा सकता है। उसके पास फोर्थ डायमेंशन के प्राणी जितनी सारी शक्तियां होंगी ही, और साथ ही साथ उसके पास ये भी पावर होगी कि वो एक ही समय में कई जगह मल्टीपल रोल्स अदा कर सके। यहाँ पैरेलल यूनिवर्स की संभावना होती है, तो हो सकता है कि आप एक यूनिवर्स में साइंस तो दूसरे यूनिवर्स में कॉमर्स, वहीं तीसरे यूनिवर्स में आर्ट्स पढ़ रहे हो। आपके कई सारे वर्जन सिमल्टेनियसली अलग अलग यूनिवर्स में एक ही टाइम में मौजूद होंगे। हर पैरेलल यूनिवर्स की अपनी अलग टाइमलाइन चलती है। हो सकता है एक जगह आप जवान, दूसरे जगह आप बूढ़े और तीसरे जगह आप बच्चे हो। फिफ्थ डिमेंशन की एक लिमिटेशन ये है कि आप अपने सेल्फ वर्जन से डायरेक्टली मिल नहीं सकते, न ही किसी शॉर्टकट का इस्तेमाल करके उनके यूनिवर्स के टाइमलाइन में जाकर उनसे मिल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका कॉमर्स स्ट्रीम वाला वर्जन आपके साइंस स्ट्रीम वाले वर्जन से मिलना चाह रहा है तो वह किसी शॉर्टकट से आके नहीं मिल सकेगा। उसे वापस से क्लास 10th तक जाना होगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ डिवर्जन है। फिर उस पॉइंट से जो साइंस वाला टाइमलाइन निकला है वहां ट्रैवल करके अपने साइंस वाले वर्जन से मिलना होगा। आपको ये सारी बातें सुनकर डार्क नेटफ्लिक्स सीरीज की याद नहीं आ रही? डिमेंशन 6। अब बारी आती है 6 डिमेंशन की। अगर आप 5th डिमेंशन के कोऑर्डिनेट्स को डबल करके उन्हें जोड़ दें तो आपको 6 डिमेंशन का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो 6 डिमेंशन में रहने वाले प्राणियों के पास वह सभी पावर्स मौजूद हैं जो एक 5th डिमेंशन में रहने वाले प्राणी के थे। यहां भी पैरेलल यूनिवर्सेस मौजूद होती हैं, और जैसा कि हमने बताया कि 5th डिमेंशन में आप शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर ये लिमिटेशन 6th डिमेंशन में नहीं है। आप आसानी से अपने एक वर्जन से, मान लीजिए साइंस वाले वर्जन से दूसरे वर्जन में, वो भी डिफरेंट टाइमलाइन में जंप कर सकते हैं। यहाँ की एक ही शॉर्टकमिंग है और वो ये है कि यहाँ यूनिवर्सेस का ओरिजिन सिमिलर होना चाहिए। मानो यदि हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन बिग बैंग से हुआ है तो बाकी यूनिवर्सेस का ओरिजिन भी इसी से होना चाहिए, तभी वे सभी एक ही डायमेंशन के कहलाएंगे। डिमेंशन 7। डायमेंशन 7 में इन्फिनिट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस एग्जिस्ट हो सकती है और आपके भी इन्फिनिट नंबर ऑफ फॉर्म्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, और ये एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स आराम से मूव कर सकते हैं। इसमें रह रहे सभी प्राणियों की सुपर पावर 6 डायमेंशन के प्राणियों जैसी ही होती है। बस फर्क ये है कि 6 डायमेंशन में जहां यूनिवर्स की उत्पत्ति सिमिलर होनी चाहिए थी, वहीं इस डायमेंशन में हर एक यूनिवर्स का अलग अलग ओरिजिन हो सकता है। डायमेंशन 8। स्ट्रिंग थ्योरी कहता है कि 8th डायमेंशन में वस्तुओं का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। 8th डायमेंशन को डिजिटल वर्ल्ड के समरूप समझा जा सकता है, क्योंकि वहां भी हम केवल वस्तुओं को सुन और देख सकते हैं, छू नहीं सकते। 8th डायमेंशन वाली वस्तुएं एक दूसरे के शेप साइज को बदल सकती हैं, तुरंत अपीयर हो सकती हैं और डिसअपीयर हो सकती हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे आज के वर्चुअल रियलिटी से मिल खाती हुई नजर आती है। डायमेंशन 9। यहां इन्फिनिट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस एग्जिस्ट होती है। 9th डायमेंशन में हर एक यूनिवर्स का अपना अपना फिजिक्स लॉज हो सकता है। जो एक यूनिवर्स में लॉ काम कर रही हो, जरूरी नहीं दूसरे यूनिवर्स में भी वही नियम काम करे, और उन यूनिवर्सेस का अलग अलग ओरिजिन भी हो सकता है। अनलाइक 7th डिमेंशन में जहां सभी यूनिवर्सेस की ओरिजिन सिमिलर होनी चाहिए थी, आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि 9th डिमेंशन में कई सभ्यताएं और एलियंस भी एक साथ रह सकती हैं, बिना एक दूजे के प्रेजेंस को महसूस किए हुए। यह कोएग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन न तो एक दूसरे को देख पाएंगी न ही महसूस कर पाएंगी। यहां रहने वाले प्राणियों किसी भी यूनिवर्स में, किसी भी टाइमलाइन में कभी भी जा सकते हैं, पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर हो। उनमें फिजिकल फॉर्म की कमी होने के कारण वे किसी भी यूनिवर्स में फ्रीली से आ सकते हैं। डायमेंशन 10।
ये है सबसे इंटरेस्टिंग डायमेंशन क्यों? आगे देखते रहिए, आपको मालूम पड़ जाएगा क्यों। इस डायमेंशन में रहने वाले प्राणी के पास इन्फिनिट पावर होती है, इतनी पावर की आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वे सारे यूनिवर्सेस के स्पेस टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इतने ज्यादा इन्फिनिटली पावरफुल बीइंग को आप क्या कहेंगे? शायद हम उन्हें गॉड कह सकते हैं। कुछ रिसर्चेस के अनुसार भी हम ये मान सकते हैं कि भगवान यदि सच में एग्जिस्ट करते हैं तो वे 10th डिमेंशन में ही होंगे, और क्योंकि हम 3rd डिमेंशन के प्राणी हैं तो इसलिए हम 10th डिमेंशन में रहने वालों को देख नहीं सकते। डायमेंशन 11। जब सुपर स्ट्रिंग थ्योरी को प्रपोज किया गया था तब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर साइंटिस्ट ने दे पाए, तो ऐसे सवालों के जवाब देने हेतु 11th डिमेंशन को प्रस्तुत किया गया था। हम 3D दुनिया में रहते हैं और हायर डिमेंशंस को ऑब्जर्व करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हायर डिमेंशंस कम्पैक्टिफाई या साधारण भाषा में कहूं तो कर्ल्ड अप रहते हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग थ्योरी, दुनिया की सारी चीजें इन्फिनेटली स्मॉल वाइब्रेटिंग लूप से बनी हुई होती हैं, जिन्हें स्ट्रिंग कहा गया है, जो कि 1T डिमेंशनल होती है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी स्ट्रिंग से बनी हुई होती हैं। स्ट्रिंग कितनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करती है ये उस पार्टिकल के मास डिसाइड करती है। पर ये स्ट्रिंग थ्योरी 2 सवालों का जवाब देने में असमर्थ रही है। 1, ये स्ट्रिंग्स किसे बनती हैं? 2, ये स्ट्रिंग्स आते कहां से हैं, यानी इनका ओरिजिन क्या है? एक स्ट्रिंग का साइज 10^-33 सेंटीमीटर होता है। ये साइज अकल्पनीय रूप से छोटा है, एटम के न्यूक्लियस से भी कई गुना ज्यादा छोटा है। तो दोस्तों, ये थी सारे डिमेंशंस की कहानी। आशा करता हूँ सिंपल भाषा में आपको ये वीडियो समझ आई होगी। ऐसी ही और दिलचस्प नए नए विज्ञान से रिलेटेड टॉपिक्स को बिल्कुल सरल भाषा में समझने के लिए आप बट यू नो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।